नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। पूछता है देश, आप कुत्तों से नाराज हैं या कुत्ता प्रेमियों से नाराज हैं? पूछता है देश को लिखने वाले हैं वरिष्ठ लेखक सुभाष चंद्र जी। लोगों की सुरक्षा और जानवरों के अधिकारों के बीच संतुलन, निरीह गायों और बकरों के बीच भी अधिकारों की बात कीजिए जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। कुछ एनजीओज और दूसरे लोगों की आवारा कुत्तों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सबसे ऊंची अदालत के न्यायाधीशों की पीठ ने टिप्पणी की है, लोगों की सुरक्षा और जानवरों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। जो लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन्हें टीका लगाने और पशुओं द्वारा किसी पर हमला किए जाने की स्थिति में खर्च उठाने के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकता है, और जिन निर्दोष लोगों पर आवारा कुत्ते हमला करते हैं उन्हें भी बचाने की ज़रूरत है। ये बड़ा गंभीर विषय है, और जिन लोगों ने और एनजीओज़ ने याचिका दायर की है उनसे पूछना ज़रूरी है कि क्या उन्होंने हर तरह के जानवरों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई है? क्या हर आवारा कुत्ते ने किसी निर्दोष को काटा है? क्या पालतू कुत्ते किसी को नहीं काटते? क्या अभी तक कुत्ते काटा नहीं करते थे, अचानक कुत्तों ने काटना शुरू कर दिया है? कौन से वो कुत्ते हैं जो काटने लगे हैं? खैर, पालतू कुत्ते किसी पर भी हमला बोलते हैं और उनके मालिक कहते रहते हैं ये कुछ नहीं करता, ये काटता नहीं है, लेकिन जब काट लेते हैं तो वो जिम्मेदारी नहीं लेते। आवारा कुत्तों से पहले पालतू कुत्तों की बात कर लेते हैं। उनके मालिक कुत्ता पालने का शौक तो रखते हैं, मगर सुबह और रात में सड़कों के दोनों तरफ कुत्तों को टहलाते हुए जानते हैं ना आप रास्ते को किसी का चलने के लिए काबिल नहीं छोड़ते। विदेशों की नकल करने वाले विदेशों की तरह कुत्तों के बल को उठाकर वे नहीं ले जाते। आम जनता के सड़क पर चलने के अधिकारों का हनन करते हैं वो। आम जनता के सड़क पर चलने के अधिकारों पर कुत्तों के मालिक हमला करते हैं, और उन्हीं के कुत्ते जब किसी आगंतुक को या टहलने वाले किसी व्यक्ति को काट लेते हैं तो ये मालिक आँखें बंद कर लेते हैं। किसी आवारा कुत्ते को मैंने खाना दिया और क्या उसी ने किसी को काटा, ये कैसे आप साबित करेंगे? ये साबित करना कठिन है, मगर इसमें जांच में करप्शन के रास्ते तो खुल जाएंगे। आवारा कुत्तों को खाना खिलाना कोई पाप नहीं है और उनके पेट भरने का साधन बन रहा है, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। एनजीओस नहीं चाहते कि लोग कुत्तों को भोजन दें, ऐसे एनजीओस छत्तीसगढ़ के हुसैन मालिक को बचाने के लिए वकील और खड़े कर देंगे, जिसने गली में सोते हुए कई आवारा कुत्तों को मजे लेने के लिए तेजाब में डालकर जला दिया। ऐसा व्यक्ति है, यह इंसान नहीं है, ये तो पशु है। आवारा कुत्ता क्या किसी को काटेगा, जबकि इस व्यक्ति ने तो किसी खूंखार जानवर की तरह कुत्तों को जला ही दिया। शास्त्रों के अनुसार घर की पहली रोटी गाय के लिए होनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए, क्यों ऐसा कहा जाता है? भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को समझते हैं ना आप? क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि ऐसा करने से घर में समृद्धि आती है, और ऐसा करना व्यक्ति के का अपना अधिकार है, और इस तरह से हम उन निरीह पशुओं के लिए भी उनके जीवन की जीवन यापन की व्यवस्था करते हैं। जानवरों के अधिकारों और लोगों की सुरक्षा की बात करते हुए कोर्ट को ये भी विचार करना चाहिए कि गाय तो हर किसी के लिए उपयोगी जानवर है, और उससे तो किसी को कोई सुरक्षा का खतरा होता भी नहीं, मगर उसे काट कर खाना कुछ लोग अपना मौलिक अधिकार मानते हैं। ईद पर सैकड़ों गायों के, चलिए इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। इसके अलावा बकरा भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, मगर ईद पर लाखों बकरे काट दिए जाते हैं, उनका खून सड़कों और नदियों में बहता है, प्रदूषण फैलाता है। आज 50,000 से ज़्यादा गाय मर चुकी है लंपी रोग के कारण। लंपी रोग से कई राज्यों में, खासतौर से सबसे ज़्यादा राजस्थान में गाय मरी है, मगर क्या गाय खाने वालों से पूछा जाएगा कि वो इस रोग से पीड़ित गायों का उपचार कराएंगे क्या? PETA, पेटा और मेनका गांधी के संगठन पीपल फॉर एनिमल्स को कभी आपने देखा है गायों और बकरों के लिए आवाज़ उठाते हुए? कमाल है। चलिए हम चलते हैं, संदेश आप तक पहुंच गया, बाकी फैसला आपको करना है। जाते जाते हमेशा की तरह हम आपसे कहेंगे, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।